अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप मेरी स्टाइल में। तो आ जाओ इसकी रेसिपी देखते हैं। चलिए लॉलीपॉप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आधा किलो लॉलीपॉप ली हूँ, ये देखिए इस तरह के। तो इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, ये चम्मच है वो, ये चम्मच से मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाली हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस। मुझे ऐसा जजमेंट है इसीलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदे का आटा, 3 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मकई का आटा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 नमक आप अपने अंदाज से डालिए, पहले भी हमने नमक उसमें लॉलीपॉप में लगा के रखे हैं। आधा चम्मच अदरक कुटा हुआ दरदरा सा, ये मैंने बारीक सा एकदम चॉप करके ली हूँ, चॉप किया हुआ लहसुन 1/2 चम्मच, 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली हूँ, 1 फूड कलर थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। दो चम्मच रेड चिल्ली केचप सॉस, 1 अंडा, इन सबको मिक्स करके हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे साइड में। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा घोल बना के लेंगे, एकदम पतला सा घोल नहीं बनाना है हमें। तो ये देखिए अच्छी तरह से, तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ सब। और ये देखिए इतना घट के रखना है हमें, एकदम पतला नहीं करना है, ये देखिए है ना। अब एक तरफ हम ऑयल को गर्म होने रखेंगे। तो तेल अभी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका मसाला भी रेडी हो चुका है। तो अभी हम एक पीस को ऐसे उठा लेंगे, ये देखिए गैस को मैं पहले थोड़ा स्लो कर देती हूँ। तो ऐसे पीस को हम ऐसे इसमें ऐसे डिप कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत उसकी ऐसी डंडी पे भी लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे उठा के हम इससे ऐसे
तेल में एक 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 हम ऐसे ही छोड़ेंगे। जब हम लॉलीपॉप छोड़ेंगे तो गैस को थोड़ा स्लो रखिएगा, नहीं तो ज्यादा अगर तेल गर्म हो गया तो हमारे लॉलीपॉप जल सकते हैं। अच्छे से 5-10 मिनट तक का इसे फ्राई कर लीजिए आप। देखिए कलर भी अच्छा आया है एकदम। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लॉलीपॉप का कलर कितना अच्छा आया है, ये देखिए एकदम बेहतरीन दिख रहा है ना। अभी इसे अल्टी पल्टी करते हुए अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमारे लॉलीपॉप अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने कम से कम इन्हें 10 मिनट तक का पकाई हूँ। 10 मिनट में पहले थोड़ा फास्ट पे बनाई, फिर थोड़ा स्लो पे की। तो ये देखिए अभी कलर एकदम मस्त हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम थोड़ा ऐसा फॉइल पेपर ऐसे में लपट दूंगी। ये देखिए ऐसे करके, तो जब मेहमान भी मनाते हैं ना तो ऐसा करके रखेंगे तो अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे है ना, मैं ऐसे ही सारे पे जरा शो शो ऐसे। बढ़िया लग रहा है ना एकदम। तो ये हमारा चिकन लॉलीपॉप रेस्टोरेंट स्टाइल हो चुका है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ, दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट भेजो। और आ जाओ खाने के